मूलभूत सुविधा की बात तो शासन हमेशा से ही करते आ रही है, लेकिन अभी हमें देखने को मिला ग्राम पंचायत कोंगेरा में, जहां पर विद्युत ट्रांसफार्मर कम से कम 3 माह से बंद पड़ा है और उस गांव में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन शासन के कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी उस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज 3 महीना गुजर जाने के बाद भी वहां पर विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते वहां के ग्रामवासियों को, वहां के बच्चों को अपने पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वहां के ग्रामवासियों ने मेरे साथ विद्युत ऑफिस में गए और वहां विद्युत अधिकारी से संपर्क करना चाहा, लेकिन वहां पर विद्युत अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते हमने एक आवेदन तत्काल वहां पर लिखा और इस विद्युत अधिकारी के नाम आवेदन देकर हम अपने घर वापस आ चुके थे। ये आपका ये अभी जो ट्रांसफार्मर दिखा, ये कब से बंद पड़ा है? ये लगभग 3 महीना हो रहा है। इन लोग क्या है, मिस्त्री लोग जो एक पूरा गाड़ी लेके आए, हाँ देखे तब उसके बाद भी नहीं जला, तो फिर हम लोग बुलाए उनको, बार बार खराब है लाइट नहीं जला बोल के, तब भी नहीं आए। पर बार बार जाते हैं तब आएंगे, हो जाएगा बोलते हैं, पर भी नहीं आते। फिर ऑफिस में जाने के था हम लोगों को, तो मत जाओ, हम लोग 2 दिन के अंदर ट्रांसफर ला देंगे बोल के बोले उन लोग। सब लोग अंधेरा से आ गया, देखो मिट्टी तेल लाते हैं लाने के लिए, क्योंकि लाइट जैसा नहीं, कभी किसी के यहाँ समाप्त हो जाता है, कभी रहता है। तो बच्चे लोग कैसे रात में पढ़ाई करते हैं? अब क्या करेंगे, अब लाइट नहीं है, अब जिसके पास मिट्टी तेल के साधन है उन लोग पढ़ाई करते हैं बच्चे लोग, जिसके पास नहीं है तो कैसे करेंगे। रसोईयों में भी खाना बनाने में तकलीफ होता होगा, खेत में भी आना जाना में सब में हो जाता है ना। क्या है कि अब देखो आजकल तो ऐसे कृषि काम है सब हमारे, यानी कि किसान मन जानते हो आप, कृषि कार्य जाते हैं, रात से आते हैं, खाना बनाने में तकलीफ हो जाता है, क्योंकि जिसके यहाँ दीपक है उनको तो ठीक है चलता है, बाकी यहाँ नहीं है, जैसे तेल समाप्त हो जाता है तो वहाँ परेशानी होता है। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए कोंडागांव, छत्तीसगढ़।